मुआवने खसूसी शहबाज गिल अब भी अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं। दी न्यूज की रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात, तनख्वाह और मुलाजमत को कैबिनेट डिवीजन में डिक्लेयर ना किया। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज को तहरीरी जवाब में तस्दीक, कहा शहबाज गिल यूनिवर्सिटी के मुलाजिम और उनकी सालाना तनख्वाह 1,24,770 डॉलर है। दी न्यूज ने शहबाज गिल का सारा भांडा फोड़ के रख दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीनियर कानूनदान बाबू नफीस इंसारी की तनकीद, बोले शहबाज गिल धोखेबाज हैं, शहबाज गिल पर आर्टिकल 6 के तहत सजा बनती है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पेरोल पर है, वहां से तनख्वाह ले रहा है और ये पाबंद है गवर्नमेंट के हमारे रूल्स के तहत, लेकिन इन मशीरों ने जिसमें खसूसी तौर पर शहबाज गुल जैसे लोगों का, उन्होंने ना बेड़ा गर्क नहीं किया बल्कि उसके जलील और रुस्वा करके भी पास लगा। मुआवने खसूसी शहबाज गिल की चोरी पकड़ी गई। शहबाज गिल ने अपनी मुलाजमत और तनख्वाह कैबिनेट को डिक्लेयर नहीं की। लीग रहनुमा ब्रिगेडियर कैसर मेह ने कहा कि शहबाज गिल झूठे साबित हुए हैं। दूसरी जानिब शहर भी बरस पड़े, बोले असासा चार्ज डिक्लेयर न करना खिलाफ कानून है, शहबाज गिल ने कानून तोड़ा है, ओहदा वापस लेकर सजा दी जाए। हमारा मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब से कि आप तो कहते थे कि हमारी जो टीम है वो बिल्कुल साफ शफाफ है, आपका तो हर बंदा करप्ट हो रहा है, आप तो करप्ट निकल के आ रहे हैं। अभी जो असासे निकल के आ रहे हैं, जो स्कैंडल जो आ रहा है शहबाज गिल का, पहले आप इसको क्लियर करें। अगर मुशीर हैं तो सारे मुल्क दुश्मन हैं, वो जाए वाला अपोजिशन तो सटे न, मेहरबानी करके सारे इमरान खान मुतालबा है भी पहले अपने घर को साफ करें पीछे देखे भी। शहबाज गिल साहब के कोई असासे डिक्लेयर नहीं है, ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरे ख्याल में जॉब करते हैं, वहाँ से बगैर सैलरी वसूल करते हैं। तो हम वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और इनकी तहकीकात करें। तहरीक अदम इतमाद में नंबर गेम की बाजी, पीपल्स पार्टी का पलड़ा सबसे भारी। पीपल्स पार्टी के पास 199 मेंबरान मौजूद। सेक्रेटरी इतलात जनूबी पंजाब और एमएनए नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का बड़ा दावा, बोले अदम इतमाद के हवाले से बकायदा वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म की तब्दीली के बाद पंजाब में तब्दीली लाएंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं, तो ये तो वो नौकरी कर रहे हैं जहां पे वो तनख्वाह भी ले रहे हैं और इन्होंने कहीं पे उसका जिक्र भी नहीं किया हुआ। तो अगर इखलाकन देखा जाए तो खान साहब को भी और जो गवर्नमेंट में जितने भी अहदेदार हैं ना, इसकी वजाहत करनी चाहिए मीडिया को और इनको इस्तीफा देना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी बाकी भी लोग हैं उन सब की स्क्रूटनी होनी चाहिए। असासे डिक्लेयर ना करने पर इसको जो है ना, एक तो यहाँ पाबंदी लगनी चाहिए तहयात इसके ऊपर, और इसका जो अहदा है इससे वापस लिया जाए और बकायदा इसको जो है ना, और जो सजा मुकर्रर है इसकी बकायदा उसको कदर सजा दी जाए। यजमान सियासी जोड़ तोड़ की रेस में कौन बनेगा कायदे ऐवान। वज़ीर आज़म इमरान खान के नामजद वज़ीर आला पर परवेज़ इलाही मुतहरिक हो गए। वज़ारते आला की मसनद के लिए रकीन असेंबली से राबते, पीटीआई के ग्रुपों से गुफ्तगू, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी राबता, आज तरीन और छीना ग्रुप से मुलाकात मुतवक्के। पीटीआई के मुनहरफ एमएनएस की कौमी असेंबली आमद हुई। समील हसन गिलानी बात किए बगैर ही असेंबली से वापस चले गए। समील हसन गिलानी ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देने के सवाल पर हाथ से कैमरा हटा दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा की कौमी असेंबली इजलास में आमद, बोले इमरान खान के साथ डट कर खड़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलज़ार के पंजाब के नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का ऐलान। पंजाब में 3 नए अजला और 2 नई तहसीलें बनाने की असूली मंजूरी दे दी। पसमानदा इलाकों में तालिबात के लिए नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए 20% कोटा भी मुख्तस कर दिया। कहा तहसील कौनसा शरीफ को जिला बनाया जाएगा।
पंजाब में 333 घोस्ट स्कूल निकल आए। सरकारी कागजों में स्कूल मगर हकीकत में कुछ भी नहीं। घोस्ट स्कूलों के नाम पर खजाने से फंड्स भी जारी होते रहे। महाना बजट असातिज़ा की तनख्वाहें जारी की जाती रहीं। सेक्रेटरी लिटरेसी ने स्कूल्स की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। महकमा तालीम का नया फैसला, तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। तालीमी बोर्ड्स ने तलबा को 3 साल में 4 बार इम्तिहान देने का मौका दे दिया। सिर्फ ई और डी ग्रेड वाले बच्चे नंबर बेहतर करने के अहल होंगे। हजारों तलबा रवां साल नंबर बेहतर करने के चांस से महरूम रह जाएंगे। नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन इंटर के लिए दाखिला भिजवाने के आखिरी रोज जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से तवज्जो हटा ली। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब का ओहदा 15 रोज से खाली। इजाफी चार्ज भी किसी को ना सौंपा जा सका। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा। डॉलर 183.48 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 185 रुपये तक जा पहुंची। शहरी औदिया मुल्तान में जश्न बहारा का सज गया मैदान। शहरियों की बड़ी तादाद मेले में पहुंच गई। मैराथन रेस में हजारों अफराद की शिरकत। मोहम्मद वकास ने पहली पोजीशन लेकर मैदान मार लिया। स्पेशल बच्चों की रेस ने भी खूब रंग जमाया। डीसी आमिर करीम खान ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। ढोल की थाप पर लोक रक्स ने समा बांध दिया। और आमद बहार के जश्न, हर तरफ रंगों खुशबुओं के डेरे। मुल्तान इंतजामिया ने जश्न बहारा में सजाई फूलों की नुमाइश। नीले पीले और दीगर रंगों के फूलों ने समा बांध दिया। फूलों के दिल फरेब मनाजर ने शहरियों को अपने हुस्न में जकड़ लिया।